हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेशेंट को चेक करना है। जी सर। ये क्या आग? रघु, मंदेश, जल्दी आओ, यहाँ पे आग लगी है, पेशेंट जल रहा है, जल्दी आओ, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ, जल्दी करो, जल्दी लेके आओ, जल्दी 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 करो, जल्दी। आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। ये सब वो कैसे? समझ में नहीं आ रहा सर, देखते ही देखते पेशेंट को कैसे आग लग गई। प्लीज हटिए आप लोग। सर, जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कोई और भी था कमरे में? नहीं सर, कोई नहीं था। मिस्टर अंश के बॉडीगार्ड बाहर ही पहरा दे रहे थे। हाँ सर, पर इनके आने से पहले सब अच्छे खासे लेटे हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने दरवाजा खोला अचानक आग लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कमरे में कोई था ही नहीं तो फिर आग किसने लगाई? अपने आप लग गई आग है? ये शॉर्ट सर्किट का चक्कर भी नहीं लगता, लेकिन ये आग जैसी भी लगी हो हम इसका पता कर कर ही रहेंगे। अंश, अंश, मिस्टर अंश की वाइफ और बेटा। अंश को आग कैसे लगी? कैसे हो गया ये सब? पापा उठिए, पापा क्या हो गया आपको? पापा संभालिए अपने आप को। देखिए थोड़े वक्त के लिए आप लोग बाहर कॉरिडोर में इंतजार कीजिए। पंकज प्लीज चलिए। पापा आइए। डॉक्टर साहब, अंश जी यहाँ कौन सी बीमारी का इलाज कराने के लिए एडमिट हुए थे? कल रात इन्हें फूड पॉइजनिंग की वजह से लाया गया था। इनके घर पार्टी थी, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर साहब के इस कमरे में आने से पहले कोई और भी आया था इस कमरे में? हाँ सर, दो लोग आए हुए थे, एक कमरे की साफ सफाई करने वाला और दूसरा बिस्तर की चादर बदलने वाली। इस अंश कुमार की कुंडली निकालनी होगी। जहां तक मुझे याद आता है कि बहुत सारे काले कारनामों में शामिल था। पंकज, प्रतिमा और अंकित को घर भेज दिया? हाँ सर, बहुत रो रहे थे बेचारे। वैसे सालुंगे साहब, आपको क्या लगता है आग किस वजह से लगी? मेरी बात छोड़ो सचिन, तुम बताओ तुम लोगों को क्या लगता है भाई? सालुंगे साहब, अगर हमें पता होता तो हम आपको क्यों बुलाते? देखा तारीखा, इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए। अरे प्रद्युमन तो कहता था तुम लोग सुपर कॉप हो यार। सर हम तो सिर्फ तहकीकात कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस साइंस के मास्टर तो आप ही हैं ना? तो ठीक है, अंदाजा क्या लगाते हो वो अंदाजा ही बता दो यार। सर हमें ऐसा लगता है कि ये चिंगारी लगाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि कोई वस्तु, कोई चीज है। हो सकता है, देखते हैं। ये बात है। क्या बात है सर?
अंश की चमड़ी के टुकड़े पर मुझे दो किस्म के केमिकल मिले, एक का नाम कोजू और दूसरे का चिलिंग फी। कोजू और चिलिंग फी? ये केमिकल के नाम या कोई चाइनीज रेस्टोरेंट के? पंकज मजाक में। और ये दोनों केमिकल जब आपस में मिल जाते हैं तो एक तीसरा केमिकल बनता है जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है अगर उसे एक निश्चित मात्रा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए तो। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने इस कमरे का दरवाजा खोला, यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और अंश का शरीर खुद ब खुद जलने लगा। इसका मतलब अंश की बॉडी पे ये केमिकल हॉस्पिटल के किसी अंदर वाले ने लगाया है। अंदर वाले ने? देखिए आप बेवजह हम पर शक कर रहे हैं, हम भले अपने मरीज की जान क्यों लेंगे? डॉक्टर साहब हम भी यही जानना चाहते हैं कि आपने किसके कहने पे वो केमिकल अंश की बॉडी पे लगाया। देखिए मैंने मिस्टर अंश को छुआ तक नहीं, मैं तो एक एक दवाइयां उनके बॉडीगार्ड के सामने देता था। अगर आपने नहीं छुआ तो किसने किया है? किसने स्पंजबाथ दिया उसे? देखिए मिस्टर अंश यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के इलाज के लिए आए थे तो स्पंजबाथ देने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कह रहा हूँ ना कि हम में से किसी ने भी उनकी बॉडी के ऊपर कोई केमिकल नहीं लगाया। अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर सालुंके गलत कह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैंने या मेरे किसी भी स्टाफ ने उनकी बॉडी के ऊपर कोई केमिकल नहीं लगाया है। दो लोग आए हुए थे, एक कमरे की साफ सफाई करने वाला और दूसरा बिस्तर की चादर बदलने वाली। माय गॉड, कहीं वो केमिकल उस चादर पे तो नहीं लगा हुआ था जो अंश के कमरे में बिछी हुई थी? डॉक्टर साहब ये सारी बेडशीट कहाँ रखी जाती? देखिए सर यहाँ पर सारे रूम नंबर्स लिखे हुए हैं और उस कमरे के रूम के अनुसार वहाँ की बेडशीट और बाकी का सामान रखा हुआ है। सर ये अंश के रूम का लॉकर है। अभी लगता है थोड़ा केमिकल रह गया था इसमें। सही कह रहे हो सचिन, अब तो इस लॉकर को बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप लोग भी थोड़ा पीछे रहिए। सर प्लीज संभाल के। बार तो आग ही नहीं लगी। क्या बोल रहे? आग सिर्फ इसमें लगी। ये देखो सिर्फ ये बैग जला है, बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं। ये देखो। सर इसका मतलब केमिकल इस बैग में होगा और बेडशीट इसी बैग में लाई होगी। हाँ पंकज एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। साहब ये वही लेडी है ना जिन्होंने अंश के कमरे में वो चादर बिछाई थी? जी सर शीला। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं इन केमिकल्स के बारे में जानती तक नहीं हूँ। ज्यादा भोली मत बनो, अंश के कमरे की चादर तुमने ही बदली थी ना? बदली थी मगर। मगर क्या? एक औरत ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे और कहा था अंश आपके कमरे में ये चादर बदल देना। उसने आपको पैसे दिए और आपने पैसे ले लिए? एक बार भी नहीं सोचा कि इसके पीछे उसका मकसद क्या है? मुझे क्या पता था साहब कोई ऐसे तरीके निकालेगा किसी का खून करने के लिए। उसका चेहरा पहचानती हो? स्केच बनवा सकती हो उसका? नहीं, उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था। चेहरा ढका था लेकिन कुछ तो याद होगा, कुछ तो देखा होगा। हाँ
उसके दाहिने हाथ पर एक काला सा निशान था, यहाँ पर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी सर। अंश को फूड पॉइजनिंग हुई उसके घर पे, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और कमाल की बात है कि हॉस्पिटल में आने के बाद जल के मर गया। तो गड़बड़ है। सर, इस घर पे तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और इतने सारे बॉडीगार्ड्स। लगता है अंश जानते थे कि उनकी जान को खतरा है। राइट श्रेया, कोई ना कोई बात तो जरूर थी, वरना इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कोई मामूली इंसान नहीं रखता। किससे मिलना है आपको? सीआईडी। अब अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। सर, ये घर तो बड़ा आलीशान है, अंश बहुत पैसे वाला रहा होगा। जितना बड़ा आदमी उसके उतने ज्यादा दुश्मन। नमस्कार। नमस्ते। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जी पूछिए। जिस रात अंश जी की तबीयत खराब हुई, उस रात उनका खाना किसने बनाया था? साहब, खाना तो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सिर्फ अंश की तबीयत क्यों खराब हो, और किसी की क्यों नहीं? मुझे मालूम नहीं। अब मालूम नहीं कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। कोई तो था जो चाहता था कि अंश हॉस्पिटल पहुंचे, ताकि वहां वो खूनी बड़ी आसानी से उस जुर्म को अंजाम दे सके। एनीवेज, हमें उस पार्टी की गेस्ट लिस्ट चाहिए थी। जी। गोपी पिछले 5 साल से उनका खाना बना रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो और कौन कर सकता है? क्या आपको किसी पर शक है? शायद गगन। गगन? अच्छा, ये गगन कौन है? पापा का बिजनेस मैनेजर था, अभी कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। पार्टी में गगन भी आया था? हाँ, मगर बिन बुलाए। हाँ साहब, गगन हो सकता है। उस दिन पार्टी में मैंने उसको तो अंश गगन पे चिल्ला रहे थे। हाँ साहब, पर म्यूजिक की आवाज बहुत तेज थी, मैं समझ नहीं पाया कि साहब गगन को क्यों डांट रहे थे। मगर अंश ने गगन को नौकरी से क्यों निकाला था पता नहीं, मगर जरूर कोई बड़ी बात रही होगी, जो उन्होंने अपने 10 साल पुराने एम्प्लॉय को एक ही झटके में काम से बाहर निकाल दिया। गगन को नौकरी से क्यों निकाल दिया था, इसका जवाब ढूंढना होगा। क्या अंश की मौत हो गई? जी हाँ, और हमें शक है कि उनकी मौत में आपके पति गगन का हाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप? गगन अपनी जान दे सकते हैं, पर वो किसी की जान लेने की कभी सोच भी नहीं सकते। सोचा नहीं, बल्कि कर दिया। बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ गगन ने अंश को हॉस्पिटल में ही जला दिया। आपको कुछ गलत फहमी हुई है, गगन ऐसे नहीं है। वो ऐसा नहीं है तो कैसा है, वो तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। वो कब तक वापस लौटेंगे? मुझे नहीं पता, मैंने पुलिस स्टेशन में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवाई है, कल से वो गायब है। बुरा मत मानिएगा मैडम, लेकिन मुजरिम अक्सर खून करके ऐसे ही फरार हो जाते हैं। बार बार उनको मुजरिम कह करके उनका अपमान मत करिए। अगर उनको जुर्म करना ही होता तो वो अंश जी की बात मान करके अंकित को मार ना देते। एक मिनट, क्या कहा आपने? अंश जी ने गगन को अपने बेटे अंकित का खून करने का काम सौंपा था, पर गगन ने साफ इनकार कर दिया, और इसी वजह से उन्होंने गगन को नौकरी से निकाल दिया। तो इस वजह से गगन को नौकरी से निकाल दिया गया। पर कोई बाप अपने ही बेटे को मरवाना क्यों चाहेगा? सर, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज कह दीजिए झूठ है, मेरे पापा मुझे मारने की प्लानिंग कभी कर ही नहीं सकते। हम जानते हैं ये बात आप लोगों के लिए काफी धक्का पहुंचाने वाली है। गगन की पत्नी झूठ बोल रही है, अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना रही है वो। अंश जैसा पिता अपने इकलौते बेटे को मारने की कैसे सोच सकता है? किसका फोन है अंकित? चाहो तो बात कर लो। नहीं सर,
इम्पोर्टेंट फोन नहीं है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड मुझे मिलने के लिए परेशान कर रहा है और फिलहाल मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। सर अगर आपके सवाल पूरे हो गए हों तो क्या हम जा सकते हैं? अब हमें अंश की शोक सभा की तैयारी करनी है। ठीक है, आप जा सकते हैं। इशिता। यस सर। सर जब जब अंकित का फोन बज रहा था तब उसका रवैया कुछ अजीब सा नहीं हो गया? लग तो रहा था कुछ छुपा रहा है। नजर रखो इस पे। सर हम लोग क्या रात भर यहीं खड़े रह के पहरा देंगे? रात बहुत काम की चीज होती है पंकज। जो काम दिन के खुले उजाले में नहीं किए जा सकते ना, वो रात के साए में हो जाते हैं। सर अंकित आ रहा है। आ नहीं रहा श्रेया, हमें ले जा रहा है अगले सुराग तक। Let's go. ये इतनी रात को यहाँ ढाबे पे खाना खाने को आए हैं? नहीं पंकज, खाना खाने नहीं आया है ये यहाँ ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जिसे ये दिन के उजाले में नहीं मिल सकता। मैंने तो सोचा ये लड़का होगा, ये तो लड़की निकली। अरे आप लोग और यहाँ? हाँ हम लोग, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पापा के खूनी को ढूंढने की। वैसे ये कौन है? ये स्वाति मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वो तो हमने देख ही लिया है। देखिए आप लोग प्लीज मेरी मामा से मत कहिएगा कि मैं इससे यहाँ मिलाऊं। क्यों? वो आंटी मुझे इतना पसंद नहीं करती। क्यों पसंद नहीं करती? मालूम नहीं, पर नहीं करती और उनके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, नहीं बताएंगे। सब बचपन से ही मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े होने में बड़ा डर लगता था। कभी सोचा नहीं था कि सीआईडी का काम मुझे एक बार फिर यहीं ले आएगा। काफी शरारती बच्चे थे तुम, इसलिए प्रिंसिपल के कैबिन के बाहर खड़े कर दिए जाते थे। बस यूं ही कभी कभी टीचर पनिश कर देते थे। आइए, आपको प्रिंसिपल साहब ने अंदर बुलाया। हेलो। हेलो, सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। दैट्स ओके, हम यहाँ अंकित कुमार नाम के एक स्टूडेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आए हैं। अंकित कुमार? तो वो तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है इस कॉलेज का। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, डिबेट, ड्रामा, हर चीज में वो नंबर वन रहता है। अच्छा, इतना होनहार है वो? हाँ, बल्कि इस बार कॉलेज का स्टूडेंट ऑफ ईयर अवार्ड भी तो उसे ही मिला है। ये देखिए, ये रही उसकी फोटो। इसमें अंकित कुमार का है। यही तो है ये। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम लोग अंश कुमार के बेटे अंकित कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, यही तो है अंश कुमार और रिद्धिमा का बेटा। सर
सर, अगर ये असली अंकित है तो फिर वो कौन है? जो कोई भी है उसके इरादे ठीक नहीं है, और रिद्धिमा जी ने हमें उसके बारे में बताया क्यों नहीं? रिद्धिमा जी कहाँ हैं? मैडम अपने कमरे में हैं। आइए। मैडम, मैडम सीआईडी वाले आए हुए हैं। मैडम, रिद्धिमा जी, सर कमरे में तो कोई नहीं है। रिद्धिमा जी, सर यहां भी कोई नहीं है। सर, सर ये देखिए, सर यहां पे खून भी लगा हुआ है। शायद रिद्धिमा जी का किडनैप हो गया है। इन टुकड़ों को देख के तो यही लगता है कि उनकी किडनैपर के साथ हाथापाई हुई होगी। अंकित कहाँ है? बुलाओ उसे। अंकित बाबा तो आज सुबह घर से बाहर चले गए हैं। निखिल, अंकित को फोन लगाओ। इस कमरे में इतना कुछ हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी, फायदा क्या घर में इतनी सिक्योरिटी का? अच्छा ये बताओ कि खिड़की के पीछे की तरफ भी कैमरा लगा है ना? जी सर। मुझे उसकी फुटेज देखनी है। सॉरी सर, लगता है कैमरा 2 घंटे से बंद है। मतलब जरूर तुम में से ही किसी का काम है ये, जिसने खुना करने से पहले कैमरा बंद कर दिया। सर हम ऐसा क्यों करेंगे? कोई बाहर वाला यहाँ आके कैमरा बंद नहीं कर सकता, ये किसी अंदर वाले का काम है, समझे तुम? सर, यस सर, अंकित का फोन बंद आ रहा है। कहीं सबके पीछे अंकित का हाथ तो नहीं है? रिद्धिमा जी, रिद्धिमा जी, मैडम जी, रिद्धिमा जी उठिए, मैडम जी, रिद्धिमा जी। गगन, तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए हो? मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी मारोगे? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो अंश साहब का नमक खाया है, उनके लिए जान दे सकता हूँ, मैं मारने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर कौन लेकर आया मुझे यहाँ पर? क्यों आए हम? शायद उसी ने जिसने हम दोनों को किडनैप किया है। तुम भी? जी हाँ, मैं भी आप ही की तरह
इस चारदीवारी में कैद। हे भगवान, उसका अगला निशाना कहीं मेरा राज तो नहीं? तो तुम हो राज, अंश और रिधिमा जी के असली बेटे। जी सर, मुझे तब तक यकीन नहीं कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। पप्पी ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया तक नहीं। लेकिन रिधिमा जी ने ये बात छुपाई क्यों तुमसे? उसी वजह से, जिस कारण से उन्होंने मुझे दुनिया से छुपाकर रखा और अंकित को अपना बेटा बना लिया। लेकिन ऐसी भी क्या वजह थी जिसने एक माँ बाप को अपने बेटे से दूर कर दिया? सर, आप तो सीआईडी वाले, आपसे तो कुछ बात छिप नहीं सकती। अपने खानदानी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पापा ने कुछ गैर कानूनी काम किए हैं। जी हाँ, जैसे रिश्वत देना, करप्शन को बढ़ावा देना, गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनवाना और कभी कभी गैंगस्टर्स की मदद करना। सर, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्मिंदगी है कि मेरे पापा इस देश के अच्छे नागरिक नहीं बन सके, और वो बहुत ही अच्छे पिता थे। इन गैंगस्टर से बचाने के लिए उन्होंने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा। तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया और गोद ले लिया अंकित को, ताकि कभी कोई तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाता तो निशाने पे अंकित होता, तुम नहीं। एग्जैक्टली। और जब ये बात अंकित को पता चली, उसका रवैया कुछ उखड़ सा गया। उसने मम्मी पापा की इज्जत करना बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों से तो वो पापा को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नहीं मिला तो वो ये राज पूरी दुनिया को बता देगा। सर, सर हो सकता है शायद इसी वजह से अंश ने अंकित को मारने के लिए गगन से कहा। हाँ सर, हो सकता है कि गगन की वाइफ सच कह रही हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि रिधिमा जी की किडनैपिंग में उनके गोद लिए बेटे अंकित का ही हाथ हो। सर, प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए। मैं पहले ही अपने पापा को खो चुका हूं, मम्मी को नहीं खोना चाहता। घबराओ मत, कुछ नहीं होने देंगे मेरी रिधिमा जी को। अंकित के पोस्टर पूरे शहर में लग चुके हैं, कोई ना कोई उसे जरूर देख लेगा। हेलो, कहाँ? चिंचोली क्रॉसिंग, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो सर, गुमनाम कॉल आया, कह रहा था कि चिंचोली क्रॉसिंग पे मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है, फिर तो मिलना पड़ेगा। क्या बताना चाहते थे? सर, मैंने आपको फोन इसलिए किया था क्योंकि जिस आदमी का आपने पोस्टर लगाया है उसे मैंने कहीं देखा है। सर, तुमने पक्का ध्यान से देखा ना, वो अंकित ही है। हाँ सर, वो अंकित ही था। कहाँ देखा है उसे? सर, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कहीं मैं मुसीबत में न पड़ जाऊं। सर देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बताओ तुमने कहाँ देखा था अंकित को? सर, मैंने उसे हसनपुरा की चौल में देखा था। सर, हसनपुरा चौल? आपने इसे कहीं देखा है? हाँ, उस तरफ रहता है। थैंक यू सर, पता चल गया, अंकित उस घर में आता जाता था। सर, 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 बहुत मुश्किल हुई सर, लेकिन मैंने पता कर लिया है, अंकित इसी घर में आता जाता था।
ये घर में। पंकज हम सबको पता है, आओ। आप लोग? हाँ हम लोग। सर यहाँ हमें एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी, तो सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। क्या मजाक करते हैं साहब, सीआईडी को कब से बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ने लगी? जब से तुम जैसे बॉडीगार्ड गुनाह करने लग गए। जिस परिवार ने तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, तुम उसे ही नुकसान पहुंचा रहे हो। ये क्या कह रहे हैं साहब आप? अंकित क्यों आता था यहाँ? अंकित बाबा यहाँ नहीं आए। हमसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सीआईडी से ना कोई बच सका है और ना बच पाएगा, इसलिए कह रहे हैं सब सच सच बता दो। हम जान चुके हैं कि अंकित अंशी का बेटा नहीं है, बताओ क्या सच है? ओ, 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 ओ। बोलो क्या सच है? बताता था। दरअसल में अंकित का असली बाप मैं हूं। तो? हाँ, अंश साहब मेरे बेटे को गोद लेना चाहते थे और मैं भी अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें मना नहीं कर सका। मगर तुम्हारे अंकित ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, पहले अंश को मार डाला फिर रिद्धिमा को किडनैप कर लिया। नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ऐसा है तो हम अंकित को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अब हमें साफ साफ बताओ ये अंकित हमें मिलेगा कहाँ? अंकित अपने दोस्त स्वाति के साथ है, ग्रीन सी लॉज में। ग्रीन सी लॉज? सर ये अंकित की गाड़ी है, अंदर चल के चेक करते हैं। सीआईडी, उस सफेद गाड़ी में जो आए हैं वो कौन से कमरे में ठहरे हुए? रूम नंबर 113। थैंक यू। मैडम मुक्का है ना, हमारे होटल का 5वीं सालगिरह है, इसीलिए हम सबको चॉकलेट केक खिला रहे हैं, आप भी खाइए ना प्लीज। सीआईडी, हॉस्पिटल वाली लड़की, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। सीआईडी की आदत नहीं है मुजरिमों को जाने देने की। हाँ मैंने ही पैसे दिए थे उस लड़की को ताकि वो केमिकल वाली बेडशीट अंश के बेड पे बिछा सके। किसके कहने पे किया था तुमने ये? अंकित के। कहाँ मिलेगा ये अंकित? पता नहीं। अच्छा तो ये तो पता होगा ना कि रिद्धिमा को कहाँ छिपा के रखा है? नहीं पता। ये पता नहीं वो पता नहीं, तुम्हें पता क्या है स्वाति?
गगन कहाँ है ये पता है मुझे। I see. तो और क्या क्या पता है तुम्हें? Hi mom. Hi गगन अंकल। I hope सब ठीक तो है ना? I mean मेरी खातिरदारी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अंकित, जरूर मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी जो आज मुझे यह दिन देखने को मिल रहा है। हाँ, आपके परवरिश में कमी रह गई। बचपन से लेकर जवानी तक आप मुझे बेटा बेटा कहती रही और आज एकदम से मुझे पता चलता है कि आप मेरी माँ नहीं है, माँ हो तो आप जैसी। लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने बेटे से कम प्यार नहीं किया अंकित। झूठ है, ड्रामा है। आप अपने बेटे को बचाना चाहती थी। माना कि ये सब राज को बचाने के लिए किया गया अंकित, लेकिन अंशन मैंने तुम्हें कभी भी उससे कम नहीं माना, उससे कम प्यार नहीं किया। मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी, इसीलिए तो आपको पापा तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। और एक टिकट के साथ दूसरी बोनस टिकट फ्री। प्रतिमा जी, गाड़ी उठा लीजिए, उसके सर पे खून सवार है। गगन ये पकड़ो, पकड़ो। अरे शूट करो ना, गोली चलाओ ना, तो वो मार डालेगा। नहीं प्लीज, अरे मारो उसे, प्लीज नहीं, मार डालेगा हमको, मारो। ये क्या क्या किया तुमने? उसे मार डाला? तुम उसके पैर पे फायर कर सकते थे ना? उसे मार डाला तुमने? गगन, what did you do? फिर से घबराहट में गोली चल गई। वैसे मारना नहीं चाहता था। ये तो मर गया। क्या ये सर? हा? कैसे हुआ ये? मैं जैसे जानबूझ के नहीं मारा सर, मैं सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता था। ये गगन सही कह रहा है, अगर हमने अपने बचाव के लिए इसे नहीं मारा होता तो ये हम दोनों को मार देता। हम समझ सकते हैं। श्रेया, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। आप लोग जाइए प्लीज इनके साथ। चलिए। क्यों मुझे धोखा दिया जवाब दीजिए मम्मी क्यों मुझे मारा क्यों
जिंदा कैसे हो गए? मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते रिधिमा जी, ये सब तो सीआईडी का प्लान होता है गुनेगार से उसका जुर्म कबूल कराने का। अंकित तो कभी मरा ही नहीं था। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मैं धोखा तो तुमने दिया। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया है। राज, तुम्हारे पापा तुम्हें अपने गैर कानूनी बिजनेस में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा गुनाहों के इस साए से दूर रखना चाहा। माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम भी पापा की तरह इस तरह गुनाहों के दलदल में धंसी हुई हो। और इसीलिए इन्होंने पापा को मारने के लिए मेरी मदद ली थी और प्रॉपर्टी में 25% शेयर देने का वादा भी किया था। इस प्लान में तुम दोनों मिले हुए हो, इसके बारे में तुम्हारी दोस्त स्वाति ने हमें पहले ही बता दिया था। उस पार्टी के दिन ओह माय गॉड, कितना ऑयली खाना लेकर जा रहे हो साहब के लिए। डॉक्टर ने परहेज के लिए कहा है ना, जाओ सैंडविच और जूस लेकर आ जा। मगर साहब ने, साहब तुम्हारे बॉस हैं, बट साहब की बॉस मैं हूँ। जी मैम। गुड, तुम जाओ, मैं साहब को खाना खिला दूंगी। जी मैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करेंगे। खुद गुनाह किया और मुझे फंसा दिया। तो और क्या करती? तुम्हें पता चल गया था कि अंकित अंश को मारना चाहता है, इसीलिए मैंने आखिरी वक्त पर सारी बाजी पलट दी। और उस पलटी बाजी में मेरी भी बलि चढ़ा दी थी। मुझे पता चला कि गगन को तो पूरी सच्चाई पता ही नहीं है। उसे तो यही नहीं पता कि अंश की मौत में मेरा हाथ है, इसलिए मैंने सारा इल्जाम अंकित पर डाल दिया। राज, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया बेटा। गुनाहों पे ममता की चादर ओढ़ देने से तुम्हारे पाप धुल नहीं जाएंगे मैडम। आप दोनों का फैसला अदालत करेगी, या तो फांसी होगी या फिर जिंदगी भर जेल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.